अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, नए रेसिपीज़ के साथ। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे इसलिए हम ज़रा देर से हमने शो शुरू किया है। टुडे वी आर गोइंग टू डू अफ्रीकन जोलोफ राइस और उसमें हम वेरी प्यारी सॉस डालेंगे। तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। प्रॉन्स की एक बहुत मज़ेदार सी डिश है, एक सॉस के साथ हम उसको सर्व करेंगे। पहले हम बना रहे हैं हैसलबैक पोटैटोज़। अब हैसलबैक पोटैटोज़ का क्या मतलब होता है? आलू लिए हैं मैंने और इस तरह इसको मैंने काटा हुआ है, पूरा नीचे तक नहीं काटा है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ तक नहीं काटा है, सिर्फ कट्स लगाए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आप किस तरह करेंगे। देखें, पूरा नीचे तक जाइए लेकिन पूरा कट थ्रू नहीं करिएगा, ठीक है? दूसरे मैंने कट करके रख दिए थे ताकि टाइम बच जाए। अब हमने ये सारे बड़े बड़े आलू लीजिएगा, रख दीजिएगा इस तरह के कटे हुए आलू को, कट साइड अप, ये कट साइड अप है, ठीक है? उसमें आप लहसुन शामिल करिएगा चॉप किया हुआ, ऑयल डालिएगा और दानेदार नमक और रोज़मेरी। ये है दानेदार नमक और रोज़मेरी है। शाताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ये रोज़मेरी है, इतना सारा डालिएगा कि अंदर तक जाए और अच्छा सा टेस्ट आए। ये है दानेदार नमक, ठीक है? ये आलू अवन में बेक हो जाएंगे, सो झटपट हम इसको अवन में रख देते हैं। लहसुन, तेल, दानेदार नमक और आलू और रोज़मेरी, बस। तो ये एक रेसिपी हमारी अवन में चली गई। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आएंगे जिसका नाम है अफ्रीकन जोलोफ राइस। इट्स अफ्रीकन चावल की रेसिपी, बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने दो टमाटरों को ब्लेंड कर दिया था, ठीक है? और गाजर है, मटर है, प्याज है, कॉर्न है, हरी मिर्चें हैं, पेपरिका है। सूप बनाएंगे हम, थाइम है, काली मिर्चें हैं, नमक है, लहसुन है, बीन्स यानी कोई भी फली है और ये है शिमला मिर्च। हमें एक ब्रेक की तरफ चलना है। एज सून एज वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, हम झटपट जोलोफ राइस बनाना सिखाएंगे आपको यूजिंग द वेरी प्यारी सॉस। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। ओके, नाउ हम शाताज कुकिंग ऑयल यहाँ डालते हैं और जैसे ही थोड़ा सा हीटअप हो जाता है उसमें हम प्याज डालेंगे। एक बड़ी बड़ी प्याज काटी है, डाइस की हुई है, थाइम है, लहसुन है, ठीक है? थोड़ा सा सॉटे करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चावल और फिर दूसरी सब्जी को ज़्यादा कुछ पकाना है ही नहीं, सो वो बाद में डालेंगे। चावल हाफ डन हो जाएंगे तब, और पानी नहीं डालेंगे हम, सूप डालेंगे। और सॉस कौन सा यूज़ कर रही हूँ मैं आज, लेमन एंड हर्ब अफ्रीकन सॉस, हीट रेटिंग उसकी 1/10 है ये, ठीक है? प्याज और लहसुन, थाइम है ये, थोड़ा सा इसमें हम थाइम भी डालेंगे और फिर चावल। पानी इसका मैं निकाल दूं पहले, अच्छी तरह धो के रखिएगा। आलू बहुत आसान है, किसी भी चीज़ के साथ अगर आपको बेक पोटैटो खाना है तो हैसलबैक पोटैटोज़ बना दीजिए। इसका नाम है हैसलबैक पोटैटोज़ क्योंकि उस तरह इसको काटा हुआ है, ये नाम मैंने नहीं दिया है, ठीक है? हैसलबैक पोटैटो इसका नाम है। अच्छा जी, प्याज सॉटे हो जाए, लहसुन है, शाताज कुकिंग ऑयल में हमने इसको सॉटे किया है, लहसुन के साथ प्याज और थाइम, तो आप इसमें चावल शामिल कर दें। चावल को भी अच्छी तरह सॉटे करिएगा। फिर इसमें हम सीजनिंग्स डालेंगे,
नमक, काली मिर्चें, नमक बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज हम सूप का स्टॉक क्यूब डालने जा रहे हैं, ठीक है। सो नमक, काली मिर्चें और एक सूप का हम स्टॉक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के टमेटो सॉस भी हमें डालनी है। सो दैट्स वाई पानी की मिकदार पहले हम कम रखेंगे, ठीक है। मैं पानी बहुत सारा नहीं डाला है, दो टमेटोज को ब्लेंड कर दिया था। अब इसमें अच्छा सा टेस्ट आए, वेरी पेरी सॉस, लेमन एंड हर्ब। वेरी पेरी सॉसेस के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि दे आर मेड फ्रॉम प्योर सनफ्लावर सीड्स और इसमें कोई स्टार्च एडेड नहीं है। वेरी पेरी सॉसेस बहुत ही अच्छा एक इम्पोर्टेड सॉस है, बहुत अच्छे कुकिंग फार्मूला से बनाया गया है। कुकिंग के अलावा डिपिंग, ग्रिलिंग, सैलड ड्रेसिंग के साथ साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको मैं बनाना सिखाऊंगी चीज़ें। लीडिंग ब्रांड है साउथ अफ्रीका का और इट्स वर्ल्ड रिनाउंड। छोटी छोटी चिलीज़ आती हैं, बर्ड्स आई चिलीज़, उससे ये बनता है। अब जैसे ही ये स्टॉक क्यूब अंदर थोड़ा सा पिघल जाएगा और चावल थोड़े से हो जाएंगे, तब मैं फिर इसमें दूसरी चीज़ें डालना शुरू करूँगी। मसलन फली है, शिमला मिर्च है, पेपरिका पाउडर है, कॉर्न है, हरी मिर्चें हैं, ये सब कुछ। केचप भी थोड़ा सा डालेंगे जस्ट फॉर द नाइस कलर। ये तो सारी सब्जियां वैसे भी हो जाएंगी, यू डोंट नीड टू रियली कुक देम अलॉट, ठीक है। हाफ डन हो चावल, फिर ये सारी चीजें जाएंगी। पेपरिका मैं थोड़ा सा भी डाल देती हूँ। विल टेक अ ब्रेक, तब तक चावल हो जाएंगे और फिर हम आके सब्जियां डाल देंगे। प्रॉन्स बहुत ही आसान है, सॉस भी उसका बहुत आसान है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें ब्रेक में इसको टाइम भी मिल गया, चावल हमारे हो गए हैं, मैंने नीचे तवा रख दिया है। अभी मैं तवा जरा हटा देती हूँ एंड इसमें अब हम डालेंगे केचप, ठीक है। थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दीजिए, टोमेटोज डाल दीजिए, कुछ भी आपको टमेटोज ब्लेंड करके जैसे मैंने डाले हैं वैसे डाल दीजिए। वेरी पेरी सॉस हमने गार्लिक एंड हर्ब का यूज़ किया था और ये है फली, गाजर, हरी मिर्चें, मटर, बॉइल्ड है ये मटर, ठीक है, बॉइल करके डालिएगा, शिमला मिर्च, आप इसका नाम अफ्रीकन वेजिटेबल पुलाव भी दे सकते हैं, और मकई। देखा आपने सारा कुछ कलरफुल, हेल्दी सा, मज़ेदार सा। ट्राई करिएगा रेसिपीज़ और वेरी पेरी सॉसेस का फ़ायदा उठाइए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाइए अपने किचन में। मेरी सारी रेसिपीज़ फॉलो करिएगा जो मैं इस सॉस के साथ बनाऊंगी एंड स्टे ट्यून्ड। अच्छा अब अगेन आई विल पुट द तवा बिकॉज आई डोंट वांट कि नीचे से लग जाए। बहुत पानी नहीं डाला है इसमें, सॉस भी है, टोमेटो सॉस भी है, केचप वगैरह भी है। झटपट मैं एक रीकैप कर दूं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली थी। प्याज, सबसे पहले हमने शाताज कुकिंग ऑयल को गर्म किया, उसमें एक प्याज चॉप करके मोटी मोटी वो डाल दी। हमने इसमें थाइम डाला, लहसुन डाला और सौते कर दिया। फिर उसमें हमने चावल डाले, दो कप जितने लिए थे मैंने चावल कच्चे, उसको आप अच्छी तरह उसमें सौते कर दीजिएगा। पेपरिका डाला, चिकन का क्यूब डाला, थोड़ा सा पानी गया, नमक, काली मिर्चें, दो टमाटर ब्लेंड करके, टमाटो केचप, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, मकई, मटर, गाजर और फली, ठीक है, सब कुछ हो गया है। वेरी पेरी, मैंने ये गार्लिक एंड हर्ब वाला सॉस डाला था। अब आप इसको दम पे छोड़ दीजिएगा, जब वेजिटेबल्स को तो क्रंची रखना है, वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है। चावल फुल डन हो जाएंगे तब बस आप इसका चूल्हा बंद कर दीजिएगा, ऊपर से पार्सली डाल के आप उसको डेकोरेट कर दीजिएगा। हैसल बैक पोटेटोज हमारे हैं, उनको एक घंटा लगेगा अवन में। तो उसको क्या किया था मैंने, बड़े बड़े चार आलू लिए थे, उसको मैंने स्लिट्स कर दिए थे, नीचे तक नहीं काटिएगा, शार्प छुरी इस्तेमाल करिएगा। उस पर हमने दानेदार नमक डाला था, तेल था, लहसुन था चॉप किया हुआ या आप क्रश कर दीजिए, और बहुत सारा रोजमेरी था, उसी के टेस्ट आएगा। एक्चुअली सिर्फ नमक का और रोजमेरी का टेस्ट आता है ऐसे आलू में। जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ सर्व करें, कोई रोस्ट हो, लेग ऑफ लैम हो या इस तरह के कोई प्रॉन्स हो, तो उसके साथ कुछ अलग होना चाहिए, हमेशा फ्रेंच फ्राइज नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया है। आई होप आपको रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी और आप उनको ज़रूर बनाएंगे, फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा शो रात में 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे रिपीट होता है। और अब हम आ जाते हैं टू आवर्ड्स आर
प्रॉन रेसिपी, और भी उसमें बहुत ही आसान है। एंड में मैंने लिखा है एक सॉस है सात्सी की सॉस, वो क्या है जी, वो सिर्फ एक खुरचा हुआ इस तरह का ग्रेटेड खीरा है, दही है और पुदीना है, दैट्स इट। थोड़ा सा नमक, काली मिर्चें आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा ये सॉस बनता है। ये हम प्रॉन्स के साथ सर्व करेंगे। प्रॉन्स को अच्छी तरह धोइएगा, यहाँ से कट लगाइएगा, इसका वो काला जो हिस्सा है, वेन जो है वो निकाल दीजिएगा। यहाँ से भी आप देखें, मैंने ये रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये वाला भी वेन जो होती है ना, इसको भी आप साफ कर लिया करें। जस्ट पुट अ स्लिट लाइक दिस छुरी से और ये निकाल दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है वरना पेट खराब हो जाता है। सो बी केयरफुल। हम लोग सिर्फ फ्राइड प्रॉन्स और प्रॉन टेम्पुरा के पीछे भागते हैं, बुफेज में मैंने देखा है लोग हमेशा इतने सारे प्रॉन टेम्पुराज ले लेते हैं। प्रॉन्स को आप बहुत दूसरी तरीकों से पका सकते हैं। सो फ़ायदा उठाइए, ये रेसिपी सीखिए और चावल को देखिए मज़े के रेडी। इसको फ्लफ अप कर दीजिएगा, अच्छी क्वालिटी के चावल लीजिएगा, भिगो के रख दीजिएगा और फिर झटपट ये तैयार हो गए। देखा आपने, सब्जियों का कलर बरकरार रहा है। अफ्रीकन स्टाइल जोलोफ राइस है ये। मैंने आई थिंक अफ्रीकन जोलोफ चिकन भी बनाना सिखाया है, वो भी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अब इसका चूल्हा मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, दम पे रख दिया है मैंने, ये हो जाएगा। ओके, नाउ मैं सिर्फ सॉस की चीजें पहले मिक्स कर दूं एक बोल में। ये है ग्रेटेड क्यूकम्बर, ठीक है। अब देखें, ग्रेट करके रखा है, इसका कितना सारा पानी निकल आता है इस तरह, देखा आपने। सो वी जस्ट रिमूव द क्यूकम्बर, फिर उसमें काफ़ी सारा पुदीना जाएगा, धो के चॉप अप कर दीजिएगा। फिर आप इसमें दही डालिए। ये प्रॉन्स आप ग्रिल कर सकते हैं, पैन फ्राई कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये प्रॉन्स बन जाएंगे। ये देखें, मिक्स कर दीजिएगा और ये सॉस में आप कोई भी वो डाल दीजिएगा सीजनिंग। मैं सिर्फ नमक इसमें डाल रही हूँ और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। दैट्स इट, बस ये सॉस को हम छोटे से एक बोल में निकाल के रखेंगे और फिर हम बनाते हैं अपनी प्रॉन वाली रेसिपी। ओके, उसके लिए क्या चाहिए, चावल को चेक कर लेते हैं। डोंट वांट के चावल जरा भी नीचे लग जाएं। इट्स डन, चावल को बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर डेकोरेट करेंगे तो पार्सली ऊपर रख देंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रॉन्स, अब मुझे क्या करना है, धनिया, पार्सली, लहसुन, जीरा, पेपरिका और हल्दी को मिक्स करना है। उसमें मुझे थोड़ा सा तेल डालना है और उसके बाद मुझे उसमें प्रॉन्स को मैरिनेट करना है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसी बोल में डाल देती हूँ प्रॉन्स के साथ ही सब कुछ। टेल्स वाले प्रॉन्स ले सकते हैं, टेल निकले हुए प्रॉन्स ले सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी चाहिए। ओके, सो ये धनिया आपने डाला, ये पार्सली डाली, ठीक है, ये हल्दी है, फिर नमक, पेपरिका। पेपरिका का बस कलर होता है, इट्स नॉट तीखा, ठीक है। लहसुन, धनिया, पार्सली, लहसुन, पेपरिका, हल्दी, प्रॉन्स और जीरा पाउडर, नमक भी मैंने डाला है, बस दैट्स इट। ये इसका मैरिनेशन है। इसमें हम इसको आप छोड़ सकते हैं फ्रिज में एक घंटा, ठीक है, मैं फौरन बनाऊंगी। सो ऑयल, शाताज कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, यू कैन सी ऑन आवर शो वी आर यूजिंग इट। धनिया पार्सली आप बिल्कुल बारीक पीस भी सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। अब आप इसके अंदर
मैं प्याज भी डालूंगी, लेकिन ये इतनी सारी प्याज नहीं जाएगी इसमें, थोड़ी थोड़ी सी। एंड में बस लेमन्स, लेमन के वेजेस इस तरह के, और फिर वो सॉस। आलू हमारे हो जाएं, बिकॉज चावल तो हो गए हैं, प्रॉन्स झटपट हो जाएंगे। आई होप हमारे आलू भी शो खत्म हो तब तक हो जाएं। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है रोजमेरी की, आप जब भी रोजमेरी से कुछ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रियली इट्स गॉट अ वेरी नाइस स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। प्याज को आपने फ्राई करना है हल्का सा, ब्राउन नहीं कर दीजिएगा, बस सौते हो जाए तो आप इसमें प्रॉन्स डाल दें। बारबेक्यू कर सकते हैं आप इसको, आप इसको अवन में बना सकते हैं, एक ट्रे में फ्लैट रख दीजिएगा सिंगल लेयर में। कॉलर हैं जी? हेलो, अच्छा सॉरी ड्रॉप हो गई। ये देखें सिंगल लेयर में मैंने रखे हैं प्रॉन्स सारे, जितने हो सकेंगे जल्दी से सौते हो जाएंगे। जैसे ही हो जाएगा फ्लिप कर देंगे, दैट्स इट, वी सर्व इट। कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। प्याज, हरा धनिया, पार्सली, लहसुन, जीरा, पेपरिका, हल्दी, तेल और प्रॉन्स, बस ये मैं सॉटे कर रही हूँ। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। डायरीज, और मैंने क्या किया था, मैंने हाई हीट पे वॉक में अपने ये प्रॉन्स को इतना सॉटे किया, ऐसे लग रहा है कि आपने उनको बारबेक्यू किया है, राइट। और अब ये जो सॉस बनाई थी जिसमें हमने नमक डाला था और खुरचा हुआ ग्रेट किया हुआ एक अदद खीरा था, दही और पुदीना, दैट्स इट, ये इसके साथ सर्व होगा, ठीक है। ये यहाँ रख दिया और थोड़ी सी आप इसमें पार्सली रख दीजिए इस तरह, एंड दिस इज़ रेडी। लेमन के को ऊपर आप स्क्वीज़ भी कर सकते हैं, विल स्क्वीज़ अ लिटिल बिट ऑफ लेमन ऑन टॉप, और साइडों पे भी मैंने वेजेस रख दिए हैं, ठीक है। और आप फौरन इसको खाइए, इसको एपेटाइजर के तौर पे सर्व कर सकते हैं, इसको आप साइड डिश के तौर पे कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, एनी वे यू लाइक। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ अल फतेह स्टोर के बारे में कुछ। अल फतेह स्टोर जो है पाकिस्तान का लीडिंग डिपार्टमेंटल स्टोर चेन है, जहां आपको मिलेगी वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कॉस्मेटिक्स तक, ग्रोसरीज से लेकर फर्नीचर तक। अल फतेह स्टोर शॉपिंग के लिए आइडियल एक डेस्टिनेशन है, इट्स बीन इन पाकिस्तान सिंस 1941। और ग्रोसरीज वगैरह आप वहाँ से करिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। सो यर वी आर डन, ये हम यहाँ रख देते हैं। हैसलबैक पोटेटोज को थोड़ा टाइम लगेगा, लेट्स वेट, जब तक हमारा शो हो रहा है तब तक वील वेट। ज़रा हम अफ्रीकन जोलॉफ राइस निकालते हैं, ये देखें कितना मज़े का, ये खिले खिले चावल हैं, सब्जी है इसमें, सब्जी का बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ है, ना नीचे चावल लगे हैं, आपने देखा किस तरह मैंने बनाए हैं। आप भी बनाइएगा इसी तरह, एंड वेरी पेरी सॉस का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। लाइटली स्पाइस्ड है और लेमन एंड हर्ब वाला सॉस मैंने यूज़ किया है, इनको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना है, इसलिए मैंने बिल्कुल कम स्पाइस लेवल जो है इन सॉसेस में, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे वाइड रेंज आपको नज़र आ रही है। डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम पार्सली रख देते हैं, और मैं आपको मैगज़ीन दिखाना चाह रही थी फूड डायरीज़ की, क्या क्या रेसिपीज़ आई हुई हैं इस दफ़ा। मसाला टीवी फूड मैगज़ीन दिसंबर का शुमारा है, इट्स फॉर 180 रुपीज़, और बहुत
सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें मेरी फ़िश सैलड है और सेमोलिना वेजिटेबल स्लाइसेस हैं, कॉफ़ी चॉकलेट रोल है, एशियन मिंस्ड राइस है, थाई स्टाइल प्रॉन्स हैं, वाइट करी है, अंडे की पेयोसी है और एक कॉलर है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी आपसे पहली दफ़ा कॉल से बात की, कल भी मैंने आपको कॉल की थी राबिया। अच्छा जी, खुशामदीद, फरमाइए। मेरी ना आपसे एक फरमाइश है। अच्छा जी बोलें, क्या? संडे को ना हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो उससे पहले चिकन नगेट्स बनाना सिखा दो। क्या जी? चिकन नगेट्स बनाना सिखा दो। चिकन नगेट्स? नगेट्स तो मैंने कितने किस्म के सिखाए हैं, आप नेट पे है, आपके पास नेट है घर में? नहीं नट नहीं। अच्छा चले, आपके लिए मैं दोबारा करा दूंगी, लेकिन मैंने नगेट्स बनाए हैं बच्चों के लिए, हरे भरे बनाए हैं, प्लेन बनाए हैं, शेप वाले बनाए हैं, ठीक है, आपके लिए कर देंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा और रेसिपीज ज़रूर ट्राई करिएगा। और आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वेरी पेरी सॉसेज, एक बार फिर ज़रा देख लीजिएगा, वाइड रेंज इनकी दिखा दीजिएगा। प्योर सनफ्लावर सीड से बनाया गया है, नो स्टार्च इसमें ऐड किया गया है, इम्पोर्टेड सॉसेज हैं, बहुत अच्छे फार्मूला से बनाए गए हैं। कुकिंग के अलावा आप उसको डिपिंग, ग्रिलिंग, सैलड ड्रेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीडिंग ब्रांड है साउथ अफ्रीका का, और उसके अलावा लो फैट है, और इसमें आप हेल्थ कॉन्शियस लोग भी इसमें इसको खा सकते हैं। बहुत ईजी ईजी रेसिपीज़ हैं, सॉस के साथ आप बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। सो ये लेमन एंड हर्ब तो बहुत ही कम स्पाइस लेवल है, एकदम वेरी हॉट अफ्रीकन सॉस तक जाता है, और यहाँ पीछे रेटिंग्स भी उन्होंने लिखे हुए हैं। सो अच्छा, मैं चेक करना चाह रही हूँ अपने आलू, टाइम है कि वी वॉन्ट टू चेक दिस, बिकॉज रोजमेरी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत बड़े बड़े आलू हैं, सो इट विल टेक सम टाइम, सो लेट देम बी डन, ठीक है, हो जाएंगे तो हम आपको फिर बाद में दिखा देंगे, वैन हम पिक्चर लेंगे तब आप फिर देख लीजिएगा। चलिए हम ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। पैक पोटेटोज अभी थोड़े से कच्चे हैं, मैंने फिर भी निकाल दिए ताकि आप लोगों को पता चले। इसी तरह स्लिट किया हुआ है, नीचे तक पूरा नहीं काटा है, ठीक है। रोजमेरी और ऑलिव ऑयल डालें या शाताज कुकिंग ऑयल डालें, बहुत सारा गार्लिक डाल दीजिएगा और उसको रोस्ट होने दीजिएगा। प्रॉन्स बहुत ही मज़े के हैं, ट्राई करिएगा, इसका सॉस भी बहुत आसान है, और अफ्रीकन जोलोफ राइस जिसमें मैंने डाला था वेरी पेरी सॉस। शाताज का तड़का हमने लगाया था, सारी डिशेस में हमने वही यूज़ किया हुआ है, शाताज सेहत भरी खुशियों का राज। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाताज ज़रा सा और जायके और सेहत से भरपूर शाताज कुकिंग ऑयल है और वनस्पति है, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे शो पे भी, और प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूं ही चलते रहना चाहिए। ओके जी, कल मैं बना रही हूँ लेमन कर्ड ब्रियोश रोल्स, लेमन हर्ब गार्लिक फिश और रोस्टेड कॉलीफ्लावर, ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। दोपहर में 3:30 बजे लाइव, लज्जत में 5 बजे लाइव है देगी चिकन और तंदूरी मटन, तो उनका शो भी ज़रूर देखिएगा। और आई होप यू नोटेड डाउन द रेसिपीज़, आप उनको बनाएंगे ज़रूर। आलू लीजिएगा, उसको कट करिएगा, स्लिट करिएगा, नीचे तक नहीं काटिएगा, उसमें आप लहसुन डालिएगा, रोजमेरी, दानेदार नमक और ऑलिव ऑयल या शाताज कुकिंग ऑयल, और उसको आप 1 घंटा रोस्ट करिएगा। थोड़ी सी कसर बाकी है, मैं अवन में दोबारा रख दूंगी। ना फॉर द चावल मैंने क्या किया था, शाताज कुकिंग ऑयल को गर्म किया था, एक प्याज मोटी मोटी चॉप कर दीजिएगा वो डाला, लहसुन डाला मोटा मोटा वो भी चॉप्ड होना चाहिए, और थाइम और थोड़ा सा उसको हमने सौते किया, फिर चावल डाल दिए, पेपरिका गया, केचप गया, उसमें टमाटो 2 लिए थे मैंने टमाटर, उनको ब्लेंड कर दिया था वो डाला, नमक, काली मिर्चें, और मैंने इसमें हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, मकई, मटर, गाजर और फली डाली थी, दैट्स इट। इनमें आप पार्सली के साथ डेकोरेट कर दीजिएगा, बहुत थोड़ा पानी डालिएगा, वेरी पेरी सॉस मैंने डाला था गार्लिक एंड हर्ब वाले फ्लेवर का, बिल्कुल सिंपल आसान रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। फॉर द प्रॉन्स मैंने क्या किया था, सबको मैरिनेट कर देना है, थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल लीजिएगा, उसमें प्याज डाल दीजिएगा छोटी सी चॉप की हुई, सौते करिएगा, प्रॉन्स को मैरिनेट करके 1-2 घंटा रख दीजिएगा फ्रिज में, और फिर उसमें मैंने क्या डाला था, लहसुन क्रश किया हुआ, हल्दी, नमक और ज़ीरा पिसा हुआ, और पार्सली और धनिया भी उसी में मिक्स करिएगा, और फिर तेज़ आंच पे उसको सौते कर दीजिएगा, या आपके पास टाइम हो तो स्कोर पे लगा के ग्रिल पैन पे रख दीजिएगा, या आप बाबेक्यू भी इसको कर सकते हैं। लेमन के स्लाइसेस के साथ या वेजेस के साथ सर्व करिएगा, और जो सॉस है ताज़ी की वो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दही लीजिएगा, उसमें 1 अदद
खीरा लेके उसको ग्रेट कर दीजिएगा, वो डालिएगा, पुदीना और थोड़ा सा नमक, दैट्स इट। बहुत आसान रेसिपीज झटपट तैयार होने वाली। मेरे साथ इसी तरह फूड डायरीज देखते रहिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।